तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आइए अब philipinfo.com में कोई भी गवर्नमेंट की सरकारी वैकेंसी को philipinfo.com से कैसे अपना आवेदन को फिल करवाते हैं, तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें कोई वैकेंसी निकली है, पहले आप लोग क्या करें, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सरकारी रिजल्ट खोलते हैं। हम लोग सरकारी रिजल्ट खोलते हैं। उसमें उसमें जो वैकेंसी होता है, जैसे कि हमको DST वाला फॉर्म फिल करवाना है। अब मैं मोबाइल से, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो साइबर कैफे नहीं जाते हैं, मोबाइल से अपने फॉर्म को भरवा लेते हैं, जिसके कारण उसके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि अभी का जो समय है, वो आदमी लड़का लोग सोचते हैं कि वो साइबर कैफे क्यों जाएंगे, घर बैठे अगर कोई सर्विस हो तो आराम से हो जाए, लेकिन ऐसा कोई सर्विस है नहीं। इसलिए philipinfo.com उन सभी युवाओं के लिए philipinfo.com अप्लाई फॉर्म का भी सर्विस लाया है। तो सबसे पहले आप फॉर्म को देखते हैं कि भाई कितना वैकेंसी है, 200, या एज भी देख लेते हैं कि 18 से 37 मांग रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ अभी 18 से 37। उसके बाद जीरो पेमेंट ले रहा है, पोस्ट है 238 पोस्ट है, मेट्रिकुलेशन पर है, ऐसा चीज़ देख लिए। अब आपको अप्लाई का भी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपको मोबाइल से अप्लाई कीजिएगा, शायद आपका गलत भी हो सकता है क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो सबसे पहले आप philipinfo.com से कैसे अपना फॉर्म को फिल करवाएंगे, सबसे पहले आपको चल जाना है गूगल पे। गूगल पे आ गए हैं। अब गूगल पे यहाँ पे आपको लिखना होगा philipinfo.com। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आ गया है मेरा philipinfo.com। यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फर्स्ट वाले पेज पे क्लिक करें। खुल के आके यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सबमिट वर्क के बाद एक अप्लाई फॉर्म का भी ऑप्शन है, तो आप अप्लाई फॉर्म पर क्लिक करें। जो भी अभ्यर्थी हैं कोई फॉर्म को भराना चाहते हैं तो वो अप्लाई फॉर्म पर क्लिक करें। सबसे पहले यहाँ पर मांगा जाएगा एप्लीकेंट नेम, तो सिंपली मैं अपने यहाँ नाम दे देता हूँ। मेरा नाम रवि है, तो मैंने रवि, यहाँ रवि दे दिया। उसके बाद मांगा जा रहा है फॉर्म का नाम, तो अभी मैंने देखा था तो बिहार DST निकला हुआ है, तो DST मैंने लिख दिया शॉर्ट में। यहाँ पे देखिए लिखा रहा है, मैंने पहले भी एक बताया था, तो DST बिहार परिचारी ग्रुप डी मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो आप अपना मोबाइल नंबर वही नंबर दीजिएगा जो आपका, जो जिसका फ़ोन लग जाए, 95 76 48 84 23। मैंने यहाँ नंबर दे दिया अपना। यहाँ ईमेल आईडी मांग रहा है, तो ईमेल आईडी मैंने यहाँ ये दे दिया। यहाँ पर एड्रेस मांगा, तो एड्रेस में आप कोई ज़रूरी नहीं कि आधार कार्ड का एड्रेस देना, आपको सिंपली एक शॉर्ट एड्रेस दे देना है। ऐसे मैंने जम्मू दे दिया। आपका जो फॉर्म होगा वो आपसे आधार जो डिटेल होगा वो आपसे philipinfo.com की टीम जब आपकी ऑनलाइन करेगा तो आपसे डिटेल पूछ लिया जाएगा, या जो आपका आधार कार्ड में होगा वह डिटेल आपका एप्लीकेशन फॉर्म में फिलिंग होगी। इसलिए कि आपने यहाँ लिख दिया तो वही डिटेल चल गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ philipinfo.com के रिकॉर्ड के हिसाब से कि आपने ये नाम का व्यक्ति ने अप्लाई किया है, के लिए रिक्वेस्ट भेजा है। तो यहाँ पर फ़ोटो मांग रहा है, सिंपली आप फ़ोटो पर क्लिक करिएगा। फ़ोटो पर क्लिक किए, आपके पास फ़ोटो हो, सिंपली अगर मेरे पास फ़ोटो नहीं है तो मैं कोई भी फ़ोटो अपना लोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे ये फ़ोटो है तो मैं ये फ़ोटो लोड कर देता हूँ। मैंने ये फ़ोटो नहीं हुआ, फिर से ट्राई करते हैं। आप फ़ोटो खींच भी सकते हैं, अगर है आपके पास तो आप लोड कर सकते हैं। मैं यहाँ देख, यहाँ पर एक फ़ोटो है, ये लोड कर दिया। आप अपना साइन, एक अच्छे सा साइन करके उसका भी वो भी अपलोड कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ साइन प्रॉब्लम में ये लोड कर दिया है, और उससे रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट वन में आप लोग क्या कीजिएगा, मैट्रिक का मार्कशीट आप दे सकते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक बेस पर है, तो मैट्रिक का मार्कशीट दे दीजिए। मैट्रिक का मार्कशीट देखते हैं मेरे पास होगा, होगा नहीं है, नहीं है, तो सिंपली मैं कोई फाइल दे देता हूँ, मैं यही फाइल दे देता हूँ। उसके बाद और भी जो भी होगा, आधार कार्ड यहाँ आप दे सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड मोस्ट है, तो आप आधार कार्ड यहाँ पर दे दीजिए। आधार कार्ड आप यहाँ पर, मैंने वही दे देता हूँ डॉक्यूमेंट, आप आधार कार्ड दीजिएगा और जो भी उससे रिलेटिव होगा दे दीजिए। यहाँ पर आप लिख दीजिए कि सर
ऑनलाइन ऑनलाइन सर यहाँ पर आप कुछ भी आप में लिख सकते हैं, ऑनलाइन कर दीजिए या जो भी आपको लिखना होगा कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ लिख लिया, सॉरी यहाँ पे ये गलती हो गया, और कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं भी लिखिएगा तो हमें हमारे टीम को पता चल जाएगा कि आपने ये रिक्वेस्ट भेजा है, ये आपको ऑनलाइन करवाना है। तो सिंपली आपको वर्क रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है, वर्क रिक्वेस्ट पर आप क्लिक कीजिएगा। तो थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि डॉक्यूमेंट ने लोड किया है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ देर ही वेट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़्यादा टाइम लगा रहा है, देखते हैं क्या बात है भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है। देखिए दोस्तों लिख के आ गया, डेयर एप्लीकेंट डेयर एप्लीकेशन थैंक यू फॉर सेंडिंग योर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट टू योर एप्लीकेशन तो मैंने जब मैसेज बता दिया है, और आपने जो रिक्वेस्ट भेजा है वो flipkart.com को मिल गया है, और वो जल्द ही आपके आपके आवेदन को आवेदन प्रक्रिया को जैसे आपने साइन भेजा है तो साइन को करप करके फ़ोटो करप करके जो डॉक्यूमेंट भेजा है उसमें जो डॉक्यूमेंट अगर पूरा है तो नहीं मांगा जाएगा। जब वो आपका ऑनलाइन करेंगे तो वो आपको कॉल करेंगे सबसे पहले, और आपसे और भी डिटेल आपको कॉन्फ्रेंस में लेके आपका वो ऑनलाइन करेंगे कि कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। कुछ ही पूछना होगा तो वो सिंपली आपसे पूछ लेंगे, या आपको एक टाइम दे देंगे कि ये टाइम में आपका ऑनलाइन करेंगे, तो उसमें जब आप फ्री रहिएगा तो उसी समय वो आपका ऑनलाइन करेंगे। थैंक यू। और जो इसका सर्विस चार्ज होगा, जो भी सर्विस चार्ज होगा माने 50 रुपये या जो भी होगा सर्विस चार्ज, एक फॉर्म के हिसाब से सर्विस चार्ज सर्विस सेट होता है कि कोई GST का फॉर्म है या उसमें कोई लंबा प्रोसेस है तो कुछ सर्विस चार्ज बेसिक लगेगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि साइबर कैफे से सर्विस चार्ज कम ही लगेगा। थैंक यू।